गाइस दिस इज़ नॉट बाली एंड मेघालय, दिस इज़ आवर महाराष्ट्र। यस दिस इज़ आवर महाराष्ट्र। तो वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए वाटरफॉल और डैम के पास, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए। तो मैं 6 o'clock को अपने घर से निकल गया क्योंकि 6:26 की ट्रेन थी पनवेल टू रोहा, तो मुझे वो ट्रेन पकड़ना था। अगर वो ट्रेन छूट जाता तो इसके बाद थी 12 बजे की, तो मैं एकदम शार्प टाइम पे पहुंचा वहाँ स्टेशन पे। जैसे मैं पहुंचा तो ट्रेन ऑलरेडी लगी हुई थी। तो ये तीन लोग दीवा से ट्रेन पकड़े हुए थे, तो मैं पनवेल से ट्रेन पकड़ा। फिर उसके बाद वहाँ पे चाय नाश्ता आ रहा था, तो मैंने सुबह कुछ भी नहीं लिया था, तो मैंने सबसे पहले चाय ऑर्डर की। चाय उतना अच्छा था नहीं, लेकिन फिर भी सुबह मॉर्निंग के लिए चाय तो चाहिए ही चाहिए। तो फिर उसके बाद हम लोग रोहा स्टेशन पहुँचे। रोहा स्टेशन में काफ़ी देर तक ट्रेन खड़ा था, तो हम लोग ट्रेन के अंदर ही बैठे थे। तो हम लोग को लगा ट्रेन इतना देर तक क्यों खड़ा है, तो पता कि ये तो रोहा स्टेशन पे था। और एक मेरा दोस्त वॉशरूम चले गया था, तो हम लोग ने उसको जल्दी बोला भाई वॉशरूम कर, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगा। अगर ये ट्रेन यहाँ से निकलता तो सीधा मडगांव जाता, तो हम लोग का पूरा दिन ख़राब हो जाता। तो कैसा भी करके हम मैंने उसको बोला कि भाई जल्दी निकल, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। भाई ये सब क्या हो रहा है? आज पता नहीं कैसे कैसे भाई, अच्छा हुआ मैंने पूछ लिया, अगर नहीं पूछा होता ना तो भाई पता नहीं आप तक मांडगांव पहुंचे होते। क्या हुआ शिवम? ये शिवम क्या हुआ? ये हो जाता है भाई, अब तक पहुंच जाता। अच्छा कौन जाते हैं मांडगांव और मांडगांव अगले। उसके बाद हम लोग स्टेशन से बाहर आए, फिर हम लोगों ने पूछा कि बस स्टैंड कहाँ पे है रिक्शे वाले से, तो रिक्शे वाले ने बोला यहाँ से आपको थोड़ा दूर चल के जाना पड़ेगा, वहाँ पे बस स्टैंड मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे शॉप पे मैगी लिया और बिस्किट लिया। हम लोगों ने प्लान किया था कि वहाँ पे चल के हम लोग वाटरफॉल के पास मैगी बनाएंगे। तो हम लोग एक चार लोग थे, तो चार मैगी ले रहे थे। तो ये नदी क्रॉस करने के बाद फिर हम लोग बस स्टैंड पे पहुंचने के बाद इंक्वायरी किया कि बस कितने बजे जाएगी मुरूर के लिए, तो उन्होंने बोला कि बस अभी निकली है, तो उन्होंने बोला कि अभी 10:15 बजे की बस है, तो अभी थोड़ा टाइम है। फिर उसके बाद हम लोग अपने साथ केतली लेके गए थे, जैसे कि आप वो ग्रीन कलर का केतली देख रहे हैं, तो मैंने उसमें चाय पार्सल लिए ताकि वाटरफॉल नहाने के बाद वहाँ पर गर्मा गर्म चाय पिया जाए और उसका अलग ही आनंद आएगा। फिर हम लोगों ने अपना चाय पार्सल लिया और फिर निकल गए नाश्ते के लिए। फिर वहाँ पे पहुँच के हम लोगों ने सबसे पहले पोहा ऑर्डर किया, पोहा जो कि बहुत ही अच्छा था, और कांदा पोहा मंगाया था और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने दो दो प्लेट मंगाया। तो पोहा खा के थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हुआ। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिर से चाय ऑर्डर किया। चाय और पोहे का कॉम्बिनेशन इज़ द बेस्ट। टोटल चाय और पोहे का बिल 240 था। फिर बोला बस मिल गया। हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग बस पकड़ रहे हैं मुरूर के लिए। सिगरा उतरना है, सिगरा उतर के वहाँ से वाटरफॉल 1 किलोमीटर है। यहाँ से कितना टाइम लगेगा? यहाँ से देखो अराउंड 1 घंटा, 1 घंटा लगेगा। ये रही बस। यो सिगरा बॉयज, सिगरा बॉयज, सिगरा बॉयज, कम ऑन सिगरा बॉयज। गाइस जो बस का कंडीशन था ना बहुत ही अच्छा था और बहुत ही क्लीन था, और जो रोड भी था वो भी बहुत अच्छा था, तो उसमें कुछ भी ऐसा जर्क जैसा महसूस नहीं हो रहा था। और जो आसपास के सीन थे चारों तरफ वो भी बहुत अच्छे थे, तो जिससे बहुत ही अच्छा लग रहा था ट्रैवल करने के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने व्यू को इंजॉय करते हुए और रास्ते का मज़ा लेते हुए गाना गाते हुए हम लोग फिर पहुँच गए मुरूर। आप ये जगह याद कर लीजिए, लेफ्ट की तरफ जाता है मुरूर और राइट की तरफ जाता है वाटरफॉल और डैम के पास, तो बीच में ये पुलिस स्टेशन पड़ता है छोटा सा, तो आपको यहाँ से राइट लेके जाना है। ये रहा गांव का द्वार, यहाँ से अपने को गांव के अंदर से होके वो पीछे पहाड़ दिख रहा है ना, वहाँ पे जाने का है अपने को धबधबा के पास सावतकड़ा वाटरफॉल। यहाँ पे बहुत अच्छा दृश्य है, एक वाव। एक बच्चे लोग को देखना, नाइस। nice.
वाटरफॉल के लिए दो रास्ता जाता है, एक गांव के बीच में से होके जाता है, एक गांव के साइड से जाता है। तो हम लोगों ने गांव का रास्ता चुना क्योंकि हम लोग को लगा कि अगर कुछ भी डाउट हुआ तो हम लोग गांव वाले से पूछ सकते हैं। तो हम लोगों ने पूछा कि वाटरफॉल के पास पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो उन्होंने कहा कि तकरीबन 1.5 घंटा के आसपास आपको लगेगा। तो हम लोगों ने बोला 1.5 घंटा, मतलब 1.5 घंटा जाने के लिए, 1.5 घंटा आने के लिए, तो 3 घंटा हमारे इसी में चले जाएंगे। और फिर हम लोग वाटरफॉल के पास कितना टाइम स्पेंड करेंगे, फिर डैम के पास आना है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वाटरफॉल के पास ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, तकरीबन 10-15 ही मिनट स्पेंड करेंगे और वीडियो बना के फ़ोटो खिंचा के चले आएंगे। तो फिर हम लोगों ने नदी क्रॉस किया और फिर वहाँ पर आदिवासियों का घर आया। फिर वहाँ पर हम लोगों ने फिर से कन्फर्म किया कि रास्ता हम लोग सही जा रहे हैं कि नहीं। उन्होंने बोला कि आप सही जा रहे हो, अब यहाँ से आपको तकरीबन 40-45 मिनट और लगेगा। फिर हम लोगों ने जंगल के रास्ते से होते हुए, और फिर हम लोगों ने थोड़ा थकाई भी लग रहा था क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रेक भी था, ऐसा नॉर्मल वे नहीं था, थोड़ा सा ट्रेक था, पहाड़ पे चढ़ना था। तो हम लोगों ने फिर थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए पहाड़ों के बीच में से जाते हुए अच्छा लग रहा था काफ़ी, क्योंकि हम लोगों ने बहुत दिन के बाद ये ट्रेक किया था। तो और आसपास के जो सीनियरी थी वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनली वाटरफॉल पहुंच गए। अरे यार शुभम क्या लग रहा है यार, ये तो मैजेस्टिक लग रहा है यार। अमेजिंग गाइस, मां कसम क्या लग रहा है यार। गाइस ये तो कितना बड़ा वाटरफॉल है, तो पूरा मैजेस्टिक। गाइस लेट मी शो यू द बिगेस्ट वाटरफॉल एवर। वहां पहुंचने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, ऐसा लग रहा था कि मतलब ये धरती पे नहीं है, ये कहीं और ही प्लेनेट पे है, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे वीडियो बनाए अपने अपने और भी फ़ोटो खिंचाया, और फिर वहाँ पे तकरीबन हम लोगों ने 10 से 15 मिनट नहाए और मस्ती किए। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी टाइम हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे एक ऑलरेडी ग्रुप आ चुका था और वहाँ पर जो ग्रुप था नहाने के लिए बहुत चुका था। तो हम लोगों ने वहाँ पर चाय पिए, जो मैंने पहले की पार्सल करा के वहाँ पर लेके गया हुआ था। फिर वहाँ पर चाय पीने के बाद हम लोग निकल गए डैम के लिए और बीच में फिर हम लोग मस्ती करते हुए। मेन रूट पे आने के बाद हम लोग ने रिक्शा किया, तो रिक्शे वाले ने 400 रुपये लिया आने जाने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग तुरंत रिक्शा किए और पहुंच गए गरम्बी डैम। हम लोग पहुंच गए गरम्बी डैम, जो आपने रील में देखा रहेगा, बहुत फेमस जगह। वाओ यार को नहीं लगा था कि
दोनों आज हम लोग कर पाएंगे, वाटरफॉल और गरम्बी डैम। लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा जो भी अपना काम था फटाफट किया, हम लोग का वाटरफॉल भी हो गया और डैम में भी हम लोग ने इंजॉय किया। मेरे पैर में हालांकि चोट लगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा लग गया चोट, इसका घर पे जाके मैं मेडिसिन लेता हूँ फिर आगे। और पांडे चलो भाई जाओ बैठो, और कहाँ बैठे, एक आगे बैठ सकता है। अच्छा वो बैठे, मज़ा आ गया, फुल एंजॉय हो रहा है। क्यों चिल्लाया सर? अरे चिल्लाएगा नहीं तो समझा कैसे पब्लिक को एंजॉय हो रहा है। फुल एंजॉय हो रहा है। फुल ये भी बस अभी आया ना, ये ट्रैवलर्स ये बारा उधर साउथ खड़ा गया है, तो यही है ना कर रहे गाइस। जिस बस में गए थे ना उसी सेम बस में, मतलब जिस बस से हम लोग आए थे सेम वही बस में हम लोग वापस आ रहे हैं। सेम ड्राइवर सेम कंडक्टर सेम सीट सब कुछ सेम, क्योंकि और ये बस थोड़ा अच्छा भी है, क्लीन भी है, क्लीन बस है, एकदम मेंटेन्ड बस है, एकदम सीट्स आर गुड और कंफर्टेबल। और ट्रिप बहुत अच्छा था गाइस, मतलब वाटरफॉल बहुत अच्छा था, डैम बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। यस यस सर, मेरे साथ ना बहुत ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस हो गया। इधर हम रोहा में फंस गए थे, गाड़ी नहीं थी कोई, मेल एक्सप्रेस कुछ भी नहीं, तो एक अकेला ड्राइवर जो मुंबई से आया था जिसको बोला गया था कि रोहा मत जाओ, और हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, हम लोग ने बोला गया था रोहा मत जाओ यहाँ कोई भाड़ा नहीं मिलता, और हमको लगा था कोई नहीं मिलेगा, हमने ऊबर सर्च किया ये मिल गए भाई, तो इनको हम मिल गए हमको ये मिल गए, एकदम कोइंसिडेंस हो गई, विन विन सिचुएशन। हम लोग ने एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा।